से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निदेशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है, तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए जिसके अंतर्गत सबके हितों का ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली जमीन है उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है उन विषयों पर भी, जो खाली जमीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, दीघा बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया 2013 तक, 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली ज़मीन पे जो बात हुई है कि खाली ज़मीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है, यानी कि उस समय 600 एकड़ 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली ज़मीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी, पर मेरा ये साफ अलग अलग प्रकार से कहना है या आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी ज़मीन अलग अलग प्रकार से CRPF का हो, कर्पूरी भवन का हो, SSB का हो, CBSE का हो, जितने भी सरकार ज़मीन ली है, पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का काम हुए, आज वैसे निर्देशों को जो हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है, लगातार हमने बात की है, फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को CO के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था तो उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लिया गया, और सर्टिफाइड कॉपी लेते समय ये इस बात को भी दिया गया था कि 30 दिनों के अंतर इसके जवाब को देना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मिलता है तो पूर्णता लेने के बाद जो संबंधित जिला पदाधिकारी है उस संबंधित जिला पदाधिकारी के न्यायालय पर जाकर सुनवाई करने का काम होता, उस सुनवाई के आलोक में जो निर्णय होता उस निर्णय को आधार के बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, पर यह काम नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप जो है आपको ध्यान में होगा कि 30 दिन का समय देने का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत, पर मात्र 13 दिन बीतने के बाद ही इस कार्रवाई को, दिशा को तय करने का काम हुआ है। तो आप अभी हाल में ही 3 दिन पहले चिरकुट फाइल करने का भी कार्यालय से जब मांगा गया तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार से यह लगाया गया कि CO का ट्रांसफ़र हो गया है, नहीं हो सकता है, यानी कि एक कुल मिला के विवादों में घेर के और किसी भी प्रकार से संबंधित न्यायालय में ना जा सके वहाँ के लोगों ने ताज करने का काम नहीं हुआ है, और अलग अलग प्रकार से यह भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है। आज आपके माध्यम से जो मीडिया में भी आया है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा इस रूप में कोई कन्फर्मेशन आया है क्या? मुझे जो जानकारी है कि उनके द्वारा कोई इस प्रकार का